क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो दोस्त? कि पढ़ना बड़ा कठिन है, एग्जाम कैसे दूं? मुझे दसवीं में एग्जाम देना है, बारहवीं में एग्जाम देना है, यही सोच रहे हो ना आप? आपके मन में यही चलता है, 24 घंटे यही सोचते रहते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूं, बिल्कुल सटीक है, आसान है, एक बार ट्राई जरूर करना। फार्मूला यह है कि आप अपने आप से ना एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, मैं जो कहता हूं उस बातों पे पहले ध्यान दो। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि भाई मुझे क्यों पढ़ना है, मैं किस लिए मुझे पढ़ना है और मैं क्यों एग्जाम दूंगा? एक रिजल्ट पाने के लिए, एक कागज का टुकड़ा पाने के लिए? अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि हाँ मुझे रिजल्ट पाने के लिए पढ़ना है, तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन हां, यदि आप अपने आप से पूछते हो और आपके अंदर से जवाब आता है कि नहीं, मुझे कागज के टुकड़े नहीं चाहिए, मैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ूंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि किसी का पाप भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सका है, नहीं कर सकता है। लेकिन आपको ये करने के लिए भीड़ में नहीं, बिल्कुल शांत होकर अकेले सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ये पूछना है। आप अभी ट्राई कर सकते हो, अभी के अभी ट्राई कर सकते हो, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपके हाथ में होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक शाम को 5:30 बजे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको देता रहता हूं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।